देख सकते हैं दोस्तों, बिना हाथ पैर चलाए हम पानी में सोए हुए हैं और यहाँ अराउंड पानी 10 फीट से ऊपर है। जिनको थोड़ा बहुत तैरने आ गया है और उनका कहना है कि मेरे सांस फूल रहा है, पानी में तैर रहे हैं तो सांस फूल रहा है, तो शुरुआती तौर पे फूलेगा, एग्जैक्ट ऐसा हो पा रहा होगा ये जैसे लड़का कह रहा है, क्योंकि अभी अभी ये सीखा है। चलो आइए, अब इधर आओ, इधर आओ, ये थोड़ा बहुत तैर पा रहा है, आओ आओ, 10-12 फीट जा पा रहा है और मुड़ 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 जाओ। और इसी प्रकार से आपका हाथ सांस फूल रहा होगा पूरा, तो सांस फूले तो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है भाई, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, सांस फूलना बंद हो जाएगा और अधिक देर तक प्रयास कीजिए कि पानी में रहें। जैसे सांस फूलता है तो धीरे धीरे हाथ पैर चलाना है। आप लोग क्या करते हैं कि बहुत तेज़ी से हाथ पैर चलाते हैं, हम बताते हैं एग्जैक्टली कैसे चलाते हैं। इससे क्या होता है कि आप लोग थक जाते हैं, देह हाथ दर्द करने लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को जब तैरने सीख गए, शुरुआती तौर पे तो जल्दी जल्दी हाथ चले गए, लेकिन जब तैरने सीख गए तो धीरे धीरे हाथ पैर चलाना है। इससे क्या होगा कि दम कम फूलेगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप आसानी पूर्वक तैर पाइएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप धीरे धीरे तैर पाइएगा। ऐसे आपको प्रयास करना है कि स्लोली स्लोली हाथ चलाना है, स्लोली स्लोली पैर चलाना है, आपको प्रयास कर रहे हैं कि स्लोली स्लोली हाथ चलाना है, स्लोली स्लोली पैर चलाना है। इससे क्या होगा कि पानी में आप अधिक देर तक रह पाइएगा और धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, तो जानते हैं कैसे रह पाइएगा, हम बता रहे हैं एग्जैक्टली आपको, बिना हाथ पैर चलाए पानी में सो सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, बिना हाथ पैर चलाए हम पानी में सोए हुए हैं और यहाँ अराउंड पानी 10 फीट से ऊपर है। जहाँ पे हम बिना हाथ पैर चलाए पानी में सो रहे थे वहाँ अराउंड 10 फीट से ऊपर पानी था, मतलब बहुत ज़्यादा डुबाव था और हम आसानी पूर्वक बिना हाथ पैर चलाए सोए हुए थे। तो प्रैक्टिस के साथ आप आसानी पूर्वक तैरना सीख सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।